और इसके पीछे अपना पुलना गांव और गोविंद घाट का नज़ारा कुछ ऐसा है भाई। अभी देखिए पुल का नज़ारा और इधर सामने बद्रीनाथ। तो मम्मी भी आ गई अपनी किटी पार्टी करके महिलाओं के साथ। क्या क्या खेली माँ जी? क्या क्या के मतलब भजन के हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत प्रणाम है बद्री घाटी से, खूबसूरत से गांव पोलना विलेज में। दोस्तों एक दो दिनों से ऐसी खतरनाक बारिश लगी हुई है ना भाई, पूरा जो गांव है बादल से घिरा हुआ है। देखें ये कुछ अभी मौसम। तो दोस्तों कुछ मौसम का हालचाल ये है भाई, देखिए चारों तरफ जो है ना बादल लगे हुए हैं प्यारे तरीके से और कुछ ऐसा है। और ऐसे में तो भाई अभी तो मैं मतलब बिस्तर के अंदर ही था और अब जाऊंगा तो सीधा आग के पास ही जाऊंगा। आग जला के रखी होगी क्योंकि बारिश में कोई बाहर निकलेगा नहीं, सभी आग चूल्हे पे बैठे रहेंगे या तो बिस्तर में रहेंगे। तो कुछ है अभी ऐसा मौसम, देखे पूरा जो बादल से कवर हो रखा है ना चारों तरफ से पहाड़, इधर गोविंद घाट का, इधर ये, इधर पहाड़ से कवर, श्री हेमकुंड साहिब का पूरा ऊपर, वहाँ तो बर्फ़ पड़ रही होगी भाई बढ़िया करके। और भाई यहाँ पे तो आग जली हुई है, आग में घुसा हुआ है चुन्नू और ये देखो कैसे बैठ रखे यहाँ पे ठंड से मिशु, और ये खाना देंगे बोल करके। मिशु मिशु भूख लग रखी रहती है इनको। अरे तो यहीं पे रहता है, इसने ना अपनी मूछें भी जला रखी, इधर वाली जो भौं रहते हैं है चुन्नू। तो भाई अभी तो टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट करने का, तो ब्रेकफास्ट करते हैं। और आज ना गर्मा गर्म दाल है, ये देखिए दाल में रोटी खाएंगे बढ़िया करके, चूल्हे पे ही बैठे रहेंगे भाई। और चूल्हे पे तो मुझे ठंडा ही लग रहा है, तो मैं तो जाऊंगा बिस्तर में क्योंकि बारिश तो लगातार जारी है, जब काम होगी तब जाके बाहर आएंगे। और अभी हम ना फिर से कुछ और मैं जा रहे हैं कुतकुरा धार, क्योंकि यार मौसम इतना तगड़ा हो रखा है, इतना प्यारा बादल जो दिख रहे हैं ना भाई, बहुत गजब का नज़ारा। देखिए ऐसे तो फिर जुलाई अगस्त में रहता है सीज़न हमेशा, गोविंद धाम में, घांगरा में, वैली ऑफ फ्लावर में ऐसा दिखता है। तो क्या प्यारी लोकेशन है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ आ गए हम। तो गांव देखिए, दोस्तों कुतकुरा धार में पहुंचे भाई, यहाँ पे जो गोविंद घाट से जो कोहरा आ रहा है ना देखे, मतलब कुछ नज़र ही नहीं आ रहा भाई देखे, पर बहुत बढ़िया लग रहा है यार ऐसे में घूमने में जो मज़ा आ रहा है। और अभी सिर्फ दिन के 11:30 बज रहे हैं लेकिन मौसम हो रखा है एकदम चकाचक, बहुत ही प्यारा। देखिए ऊपर हर जगह कोहरा ही है, वाह। ऐसे मौसम को देख के याद आ रही है अपने जुलाई अगस्त के टाइम पे, श्री हेमकुंड साहिब, वैली ऑफ फ्लावर। तो दोस्तों बाहर तो लगातार बारिश है जिससे बढ़ गई है ठंड, तो भाई चूल्हा तो आज पूरे दिन भर जलेगा। यहाँ पे बिल्लियाँ भी देखो गर्मी में बैठे हुए हैं, एक यहाँ पे, एक तो गोद में, चुन्नू 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 हेलो करते, चुन्नू हेलो करते, हेलो हेलो गाइस बोल, मुझे ठंडा लग रहा है बोल। तो दोस्तों अभी खाना बन रहा है और तड़का ना कुछ ऐसे लगता है, इसमें देखिए पूरा घी डाल रखा है मम्मी ने इसमें करछी में और आग पे जला रखे, फिर इसको डायरेक्ट डालेंगे इसमें जो अरहर की दाल है। क्या क्या मिलाई है अमा? अरहर की दाल है और नॉर्मली ये बहुत टेस्टी होता है। और इन दोनों को देखिए कैसे सो रखे। तो दोस्तों खाना स्टार्ट करते हैं गर्मा गर्म भोजन, और यहाँ पर तीनों बिल्लियाँ भाई, इनको तो चाहिए आग और गर्मी और घोड़े बेच के सो जाओ। क्यों तू कब सोएगा? सो जा। खाना पीना हो गया, ठंड इतनी बढ़ गई, पापा को लेने जा रहा हूँ मैं पांडुकेश्वर। और भाई अभी थोड़ा सा बारिश रुकी है इसलिए जा पा रहा हूँ, नहीं तो बारिश में पॉसिबल नहीं होता बाइक में जाना। देखिए कुछ ऐसा मौसम हो रखा भाई, यहाँ से गाँव इतना खूबसूरत दिखेगा ना आप। तो देखिए गांव कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, और अपनी टाइगर तो भाई दो दिन से बारिश में धुल चुकी है अच्छे से,
पहले कपड़ा मारना पड़ेगा। तो गोविंद घाट पहुंच गया है भाई। यहाँ पे देखे पुल ऐसा है, पापा जा रहे हैं आगे, पापा को लेके जाना है अभी, और इसके पीछे अपना पुलना गांव, और गोविंद घाट का नज़ारा कुछ ऐसा है भाई। अभी देखे पुल का नज़ारा, और इधर सामने बद्रीनाथ धाम की तो पहाड़ियाँ ही नहीं दिख रही है भाई, क्योंकि बादल से कवर्ड है। फिलहाल चलते हैं, ठंडा हो गया, निकलते हैं अपने पुलना गाँव के लिए। तो दोस्तों शाम का टाइम है, 5 बज रहे हैं, लेकिन आज बारिश है लगातार बहुत ज़ोरों शोरों से। 1 घंटे की 2 घंटे की नींद तो मैं आराम से सो गया। फिलहाल कुछ ऐसा है भाई, अभी मौसम देखे भाई, उधर से जो आ रहा है झरना अपना तनख्वाह छोड़ा, थोड़ा सा फ्लो ज़्यादा है आज क्योंकि बारिश की वजह से, और बादल तो भाई इतने अच्छे से लग रहे हैं ना पेड़ों के बीचों बीच, वहाँ ऐसे मन कर रहा है कि यहीं पे चले जाए, पर रास्ता नहीं है यहाँ जाने का। देखे गोविंद घाट की पहाड़ियाँ और खूबसूरत लग रही। तो भाई आज क्या ही बोले, मौसम ने कुछ ऐसे रंग दिखाए जिसको देख के बहुत मज़ा आया। हमें ऐसी उम्मीद थी कि बर्फ़ ही पड़ जाती तो और मज़ा आने वाला होता, बट कोई बात नहीं, अब बर्फ़ का टाइम तो नहीं है, पड़ेगी बिल्कुल भी नहीं। हाँ ऊपर धाम में पड़ रही होगी, भ्यूंडार गांव तक भी हो सकता है थोड़ी थोड़ी पड़ रही होगी। श्री तो आज आग जलाएंगे दोस्तों, क्योंकि मम्मी तो जा रखी किटी पार्टी में, जो महिलाओं की कुछ पार्टी वगैरह होती है उसमें चाय बनाने की जिम्मेदारी और आग जलाने की जिम्मेदारी आज हमारी। तो आग जलाते हैं क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा, बारिश भी पड़ रही है, बिल्लियों को भी ठंडा लग रहा है, वो रो रहे हैं बेचारे, वहाँ कर रहे हैं। तो आग भी जल गई और मिस्सू भी पहुंच गया। अब मिस्सू के बच्चे आएंगे अभी यहाँ पे, फिर जा कर के आग सेकते हैं। हम भी आगे पे बैठे रहेंगे क्योंकि इधर उधर जाने का मतलब ही नहीं बनता इस ठंडे में भाई। दोस्तों आग जली नहीं, बिल्लियाँ पहुँच गई है। इसको तो भाई इतना ठंडा लगा रहता है, इस चुन्नू को यहीं पे बैठा रहता है। मिस्सू तो पता नहीं अभी बुरा मान रखा, क्योंकि मैंने उसको डांटा ना जब आग जला रहे थे, मैंने कहा उधर जा भाई थोड़ा आग जला लेते हैं तब आना, और तब से उधर ही ठंडे में बैठा हुआ है। और ये भी अब पहुँच गया, आ जा आ जा आ जा, इधर 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 आ जा आग के पास। तो ये आएंगे धीरे धीरे, भूख भी लगी थी भाई, इसने खेलना लग गया है। क्या देख, तो आज गांव में पहुंचे हैं भैया और अर्णव देहरादून से, आ गए थे 2-3 दिन पहले। और ये देखो इतना फैमिलियर है ना ये वाला बिल्ली चुन्नू, ये सबके गोद में जाता है, इसको लग रहा ठंडा, बस गोद में बैठ गया। और मिस्सू भी जानता है अर्णव को, सब जानता है, तो इसलिए चैन से बैठे हुए हैं शांति से। और उनको देख के तो ऐसे लग रहा है कि दोनों पता नहीं नाराज है हम लोगों से, भाई साहब कुछ परेशानी तकलीफ आप लोगों को, आग के पास जाओ चलो कुछ ऐसा है भाई यहाँ पे। और आते ही और ना उसने देख ली बारिश यहाँ के ठंडी ठंडी, नहीं तो शर्ट में उतरा था है। तो भाई सब आग पे बैठे हैं, मम्मी तो जा रही किटी पार्टी में, जब आएगी तब देखेंगे, तब तक तो मम्मी भी आ गई अपनी किटी पार्टी करके महिलाओं के साथ। क्या क्या के लिए माजी, क्या क्या के मतलब भजन कीर्तन, भजन कीर्तन। तो भाई यहाँ तो पार्टियों में भजन कीर्तन ही करते हैं, किटी पार्टी, और ये किटी पार्टी का शायद हर जगह ही होता है,
मतलब ऐसी जो महिलाएं एक साथ कभी कभी पार्टी, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, कुछ भी खाने पीने के लिए बना दिया और भजन कीर्तन गाना डांस वगैरह करके आ जाते। सही है, एक तरीके से इंगेजमेंट है लाइफ में। खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ कभी इंटरटेनिंग का काम ढूंढना चाहिए, कभी कुछ। बाकी तो भाई यहाँ तो गाँव में काम ही काम होता है। यहाँ पे देखो बाबा यही करके आ रहे सारे काम हैं। ये मिसू तो देखो आने नहीं दे रहा, सीधा आगे बैठ जाना है क्या ये मिशु को लग रखी थी रे भयंकर भूख। और ये तो चूल्हे में जा जाके इसने ना दोस्तों अपने जो बाल है, मूछ देखो, मूछे भी जली हुई है थोड़ी थोड़ी, और इसके जो ऊपर आंखों के ऊपर जो बाल है वो सब जला रखे इसने। तो ये हाल। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सारे बिल्लियाँ बैठी, और कैसे सो बैठ रखा है यहाँ पे, गर्मी लग रही होगी ना ईंट पे आग के सामने, और नींद आ रखी है उसको भयंकर नींद। हिल रहा हिल रहा हिल रहा, गिरेगा गिरेगा ये, गिरेगा गिरेगा पलटेगा ये। कितना क्यूट लग रहा है ये ना, हाथ ऊपर रख करके इंसानों की तरह बैठ रख। और इसी के साथ ठंडा हो रहा है, ऐसा ना हो कि लाइट ना हो, नेटवर्क ना हो, फटाफट ब्लॉग करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। जय श्री राम, हर हर महादेव, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय मानंद देवी।